हाय, आई एम राहुल तेवतिया और ये कहानी है ऑफ दैट वन इनिंग। इट वॉज इन सेप्टेम्बर 2020, वी आर प्लेइंग एट शारजा अगेंस्ट पंजाब एंड दैट वॉज अवर सेकेंड गेम ऑफ द टूर्नामेंट। जब मैं अंदर गया था बैटिंग करने, तो जैसा स्टार्ट किया मैंने इनिंग्स, जो मुझसे एक्सपेक्टेड था और जो मुझे खुद से एक्सपेक्टेड था वो नहीं चल रहा था वहाँ पे, क्योंकि मैं उस टाइम शायद 17 या 18 बॉल्स तक मैं एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाया था और मैं अपनी टीम को उस सिचुएशन में ले आया था कि वहाँ से जीतना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तो काफ़ी नेगेटिव थिंग्स चल रही थे दिमाग में। फिर मैंने अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा, डग आउट की तरफ देखा, तो डग आउट में काफ़ी टेंस माहौल था, क्योंकि उनको पता है कि मैं किस चीज़ के कैपेबल हूँ और वो चीज़ मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली वो भी काफ़ी टेंशन में थे। संजू मेरे को एक ही चीज़ बोलता रहा, पॉजिटिव रहे, जहाँ तेरे एक लगने स्टार्ट हुए तू मारता रहेगा, पॉजिटिव रहे। मुझे ऐसा लग रहा था कि संजू भी काफ़ी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहा है क्योंकि मैं हिट्स नहीं मार पा रहा हूँ। रवि बिश्नोई जो बॉल डाल रहा था मुझे, वो काफ़ी अच्छे प्लान से बॉल डाल रहा था। फिर संजू ने मुझे एक ही चीज़ बोली कि स्टेप आउट करके मार इसको, तो मैंने उसको बोला कि ये बहुत दूर बॉल डाल रहा है, स्टेप आउट करना मुश्किल है। तो मैं उसको यही बोल रहा था, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, कुछ दूसरी चीज़ ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आज मैं नहीं हो पा रही ग्राउंड में। तो फिर मैंने उसको एक बॉल स्टेप आउट किया और छक्का मारा, तो वहाँ से फिर मुझे लगने लग गया ठीक है अब एक लगा है और आगे भी मैं अगर ऐसे ही ओवर में दो दो या तीन तीन छक्के मार दूंगा तो हम शायद मैच के कहीं ना कहीं क्लोज जाएंगे। तो ओवर से पहले वो केएल राहुल उससे कुछ बात कर रहा था, प्लान उनका जो भी था वो बात कर रहा था उससे फील्ड को लेके, और डगआउट से तो बिल्कुल साइलेंस था क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, वहाँ पे हिट लग ही नहीं रहे थे। तो मेरे दिमाग में वहाँ पे आया, अगर दो ओवर में हमें तीन तीन छक्के मिल गए हैं तो 36 रन हमारे ऐसे ही बन गए हैं। वहाँ से मेरी उम्मीदें बहुत ज़्यादा जाग गई। तो मतलब मैं उस टाइम किसी की बात नहीं सुन रहा था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब मेरे से हिट्स नहीं लग रहे थे स्टार्टिंग में, तो मैंने देखा था पंजाब के प्लेयर्स, दो तीन प्लेयर्स मतलब हंस रहे थे वो आपस में खुद अपने ऊपर, कि मैंने कहा यार क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि मेरे एरिया में बॉल मिल रही है और मैं उनको मार नहीं पा रहा। पर कहीं ना कहीं मैं मेंटली इतना स्ट्रांग हूँ तो मैंने गिव अप नहीं किया। तो फिर जब मैंने छक्के मारने स्टार्ट करे तो मैं उस जोन में आ गया अपने, मुझे किसी की आवाज़ कुछ नहीं सुनाई दे रही थी। तो उस ओवर में फिर मैंने तीसरा छक्का मारा, चौथा छक्का मारा, मैंने उस टाइम फिर स्कोर बोर्ड भी नहीं देखा, सिर्फ मुझे बॉल दिख रही थी और मैं हिट मार रहा था। तो अब प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा आ गया। नेक्स्ट बॉल क्वार्टर लाया तो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि वो स्लोवर बॉल डालने वाला है, तो मैंने देखा कि स्लोवर बॉल डाली उसने और मैंने उस बॉल को छक्का मारा। तो वही फिर जब पांचवी मिस हुई तो रॉबिन भाई कहते कि इसको तू यहाँ मार सकता था, मैंने कहा ठीक है मैं पांचवी बॉल को मारना चाह रहा था, मैंने छठी बॉल भी वहीं मारी और वो छक्का हुआ। नेक्स्ट ओवर में आए तो फिर जोफ्रा आया बैटिंग पे, तो जोफ्रा ने मुझे आती पहली चीज़ बोली वी आर विनिंग दिस गेम, तो मैंने जोफ्रा को बोला यस डेफिनेटली। तो जोफ्रा ने आती दो छक्के मारे, पहले आप 17-18 बॉल देखोगे तो मेरी एक भी बाउंड्री नहीं थी, फिर अगली 7 बॉल देखोगे तो 7 बॉल में 6 छक्के थे। तो शमी भाई को जैसे ही मैंने छक्का मारा फिर हमें जीतने के लिए 2 रन रह गए थे, तो मैं शमी भाई ने बॉल डाली तो मैं डबल लेने गया और मैं आउट हुआ। हमारे जो ओनर थे सब खड़े होकर ताली बजा रहे थे, इवन पंजाब टीम अप्रिशिएट कर रहे थे। फिर मैंने डग आउट की तरफ देखा तो माहौल एकदम चेंज हो चुका था। एक ही मैच के अंदर आप इतना नीचे जाके उसके बाद अपनी टीम को जिता के आ रहे हो। मैंने मयंक से पूछा कि अच्छा तुझे क्या लगता है, तो मयंक कहता पाजी आपने बहुत बड़ी चीज़ कर दी है, आपने इस सिचुएशन से मैच जिताया कि हम गेम में थे ही नहीं। मैंने बोला यार मुझे अभी तो फील नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी, अभी तो सब नॉर्मल है, क्योंकि मेरे दिमाग में 17-18 बॉल बहुत ज़्यादा घूम रही थी। तो उसने बोला कल आप सुबह उठोगे तो आपको फील होगा कि आपने कितनी बड़ी चीज़ कर दी। तो फिर जब अगले दिन मैं सुबह उठा तो हमारी मीडिया टीम ने मुझे ट्वीट्स दिखाए, इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाए, तब मुझे फील हुआ। मतलब मैंने एक ही मैच में अपना वर्स्ट भी देख लिया और बेस्ट इनिंग थी वो भी देख ली।